अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी के बारे में और उनके गीत थी साथी हाथ बढ़ाना। अब दूसरा गीत है, उसकी शुरुआत हम करते हैं और उसमें एक दो पॉइंट्स छूट गए थे, वो भी इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा। तो गीत का हेडिंग है, शुरुआत करते हैं, क्या है, शुरू है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, मुसलमान की औलाद है, सॉरी इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हेडिंग ये दे रखा है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। दूसरा मिसरा क्या है, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और उसमें चार चार मिसरा करके है, हर चार मिसरे के बाद दो लाइन ये है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यहाँ पे अब देखना ये होगा कि साहिर लुधियानवी को ऐसी क्या जोत महसूस होने लगी कि हिंदू मुसलमान की बात खत्म करने लगे, इंसान की बात, इंसानों की बात शुरू करने लगे। तो अंग्रेजों ने जो 1905 में बंगाल विभाजन किया और सांप्रदायिकता का जहर जिस तरह फैलाया, हिंदू मुस्लिम दंगा कराया, और जैसा कि आप लोगों को मालूम होता है फूट डालो शासन करो, है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, तो उससे बचने के लिए, और उसके अलावा जब आज़ादी मिली और उसके बाद जो दंगे हुए, फसादात हुए, उसमें जो बर्बादी हुई, तो एक एक ज़िम्मेदार मुसन्निफ़ की ज़िम्मेदारी बनती है, एक राइटर की ज़िम्मेदारी बनती है किस हालात को कंट्रोल करे, कहीं ना कहीं एक पैगाम दे, एक मैसेज दे, जहाँ तक कर सकता हो अपने कलम से हो, तकरीर से हो, तहरीर से हो। तो इस जो शायर ने, साहिर लुधियानवी ने फोकस किया इस पर कि इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। देख लेते हैं, हर चार मिसरे के बाद ये मिसरा आपको दोहराया जाएगा। इसमें कुछ समझाना है नहीं, समझ चुके हैं आप कि हिंदू मुसलमान के लिए आप मत लड़िए, ठीक है, आप हिंदू न बनी न मुसलमान बनी इसके लिए मत लड़िए, बल्कि इंसान के लिए लड़िए, इंसान का काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इंसानियत का दर्श दीजिए लोगों को, हर वो काम जिससे इंसानों की ज़िंदगी आसान होती हो, तकलीफ दूर होती हो, वो काम आप कीजिए, हिंदू मुसलमान आपस से मत बांटिए, नफरत मत फैलाइए। पहला मिसरा शुरू करते हैं, देखिए पहला मिसरा क्या कह रहा है, अच्छा है, राइटिंग ठीक नहीं है मेरी तो कमेंट मत कर दीजिएगा, अभी गरीबी में ये आपको तो खुद लिखने ना आता है, और आज चले मास्टर ब्लास्टर बनने, समझा रहे पढ़ा रहे, ठीक है, कोशिश कीजिए। आवाज़ में कई बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका, दूसरे सेंटेंस में समझ आ जाएगा, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया। अभी इसमें सवाल ये कह रहा है कि जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, मासूम होता है, तो उसका कोई नाम नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, बच्चे को कुछ नहीं पता है, ठीक है, उसको किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। कहाँ से परेशानी कहाँ से पैदा होती है, जब घर में या स्कूल में, कॉलेज में या तालीमी इदारों में एक हवा चलाई जाती है, एक आइडेंटिटी दे दी जाती है, तब परेशानी पैदा होती है। तो क्या आइडेंटिटी, देखिए तीसरा मिसरा शायर कह रहा है कि जिस, अच्छा ये गीत है, तो जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया, जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम के मानो तो बंटवारा, विभाजन, जो जो इल्म का कर दे आपको अलग कर दे, हिंदू मुसलमान में बांट दे, मर्द औरत में बांट दे, पढ़े लिखे जाहिल में बांट दे, अब अपने आप को पढ़े लिखा समझने लगे, जाहिल के साथ अच्छा बर्ताव न करें, अब अपने आप को जवान समझने लगे, बड़े बुजुर्ग के साथ अच्छा बर्ताव न करें, तो करे ऐसा इल्म जिसने क्या कर दिया, इंसानों को तकसीम कर दिया, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बांट दिया, छोटी जात बड़ी जात में बांट दिया, ठीक है, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कर इस इल्म से कि इसकी नफरत दिला रहा है ये साहिर लुधियानवी शायर, मैसेज दे रहा है। अगला मिसरा इसी का है कि इस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, इस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कहना कि एजुकेशन सिस्टम को ये इस पर इशारा किया। आप देखेंगे कि 1904 में, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था, और कई पैसे भी कई आए थे ब्रिटेन से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। मकसद वह था कि यहाँ के लोगों को पढ़ाना लिखाना, इंग्लिश सिखाना, अपना काम कराना है, ठीक है, और बांटना है एक दूसरे से। तो वो यहाँ पर शायद ये भी इशारा करा कि इल्म जो दिया अंग्रेजों ने, उस इल्म का भी क्या था, काम क्या था, लोगों को बंटवारा करना, और किस लिए पढ़ा लिखा रहे थे, इंडिया के हिंदुस्तान के लोगों को, ताकि अपना काम किसी तरह चलाया जा सके, ठीक है। तो शायर कह रहा है कि अच्छा अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, इस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। अगले मिसरे में कह रहा है कि तू बदले हुए, तू
बदले हुए, कह रहे कि हर चीज बदलती है, टाइम बदलता है, सुना गाना अपना टाइम आएगा, ठीक है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, क्या मतलब है इसका, कह रहे शायर ये कह रहा है कि वक्त बदलता है, टाइम क्या होता है बदलता है, तो वक्त की पहचान कौन बनेगा, जो वक्त के हिसाब से उस वक्त को पहचान ले कि वक्त में कितना बदलाव आ रहा है। जैसे आप देखेंगे पहले मोबाइल का खत का जमाना था, फिर फोन का जमाना आया, फिर मोबाइल का जमाना आया, तो कैसे वक्त बदला, आइडेंटिटी बदली। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो इस्लामिक पावर था, फिर इस्लाम का पावर कम हुआ तो ब्रिटेन का पावर था पूरी दुनिया पर, लगभग 40% जमीन पर ब्रिटेन का पावर था, फिर ब्रिटेन जब डिक्लाइन हुआ तो अमरीका सुपर पावर हुआ, तो वक्त क्या होता है बदलता रहता है। तो कह रहे तू बदले वक्त की पहचान बने, शायर यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप वक्त को, ये जो नफरत है तकसीम की राजनीति, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, आप इसको बदल दीजिएगा। किसकी तरफ इशारा, नौजवानों की तरफ, नई नस्लों की तरफ इशारा है कि तू बदले, कौन बदलेगा इस वक्त को, कौन बदलेगा, तू बदलेगा और एक पहचान बना देगा। कैसा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, फिर वही मिसरा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसानियत का दर्स आप दीजिए, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ठीक है। अगला दूसरा मिसरा है वो देख लेते हैं, ठीक है, शायद चार लाइन का मिसरा है, ठीक है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, यहाँ पे मालिक कौन सा लफ्ज होगा, अरबी का लफ्ज होगा, मालिक के माने होगा जो चलाता है, दुनिया को चला रहा है, नहीं अल्लाह पाक, ठीक है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, करे कि सब इंसान तो एक ही है, हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं बांटे हुए, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। अगला मिसरा कह रहे हैं कुदरत ने, कुदरत के माने होते हैं नेचर, कहीं कभी ये पावर, अल्लाह पाक की तरफ ताकत से इशारा है, कुदरत मतलब ताकत, कुदरत कुछ लड़की का नाम भी होता है तो होगी कोई कुदरत, हमको क्या लेना। कुदरत ने जो बख्शी थी, बख्शी मतलब देना, तो कुदरत ने जो हमें दी थी, बख्शी थी हमें, एक ही धरती, हम एक ही जमीन दी थी, क्या कह रहा है, पूरी दुनिया क्या एक जमीन। अब हमने आपको बताया था साहिल लुधियानवी का बायोग्राफी देखिएगा कि साहिल लुधियानवी कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे, और कार्ल मार्क्स पूरी दुनिया को स्टेटलेट्स जो वर्ल्ड की बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में कोई देश नहीं हुआ, कोई कंट्री नहीं हुई, कोई राज नहीं हुई, पूरी दुनिया एक ही होगी और दो ग्रुप होगा, एक कैपिटलिस्ट ग्रुप होगा, एक मजदूरों का ग्रुप होगा। तो यही पे शायद क्या कह रहा है, कुदरत ने जो बख्शी थी हमें एक ही धरती, एक ही जमीन था, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, कर हम लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पे शायर इशारा कर रहा है कि बेवजह है सब, पूरी जमीन तो एक ही है, एक ही अल्लाह पाक ने बनाया, एक ही इंसान को किसने बनाया, अल्लाह ने ही बनाया, हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, हम लोग अलग अलग पहचान बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग अलग, कहीं भारत कहीं ईरान बना रहे हैं, कहीं पाकिस्तान बना रहे हैं, ठीक। अगला मिसर देखते हैं शायर क्या कहता है, अगले मिसर में शायर कह रहा है कि जो तोड़ दे, तोड़ना मतलब यहाँ पे जिस बंदिश में हम जकड़े हुए, जिन जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, शायर कह रहा है कि जो तोड़ दे हर बंद, बंद माने होते हैं कहीं कैद के माने होते हैं, वो तूफान बनेगा, कह रहा है शायर, कह रहा है मुखातब है नौजवानों से, हिंदुस्तान के लोगों से कि आप कैसे बनिए, आप तूफान बनिए, कैसा तूफान बनिए, जो हर बंद को क्या कर दे, तोड़ दे, हर जंजीर को, धर्म की जंजीर हो, जात की जंजीर हो, हिंदू मुसलमान की जंजीर हो, उसको आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ऐसा तूफान बनिए, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ठीक है, लिख दीजिए, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अगला मिसरा है नफरत जो सिखाए, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, कह जो भी मजहब आपको नफरत सिखाए वो आपका मजहब नहीं है, ठीक है, ऐसे मजहब से दूर रहिए, वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंदे, रौंदना कहते हैं मसलने को, इंसान को जो रौंदे, जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कह रहे कि आप अपना कदम ऐसा मत बनाइए जो इंसान को क्या कर दे, रौंद दे। देखते हैं कि जुल्म होता है, ठीक है, मजदूरों के साथ कैसा बर्ताव होता था उस जमाने में, तो ये कह रहा शायर कि इंसान को जो रौंदे वो ऐसा कदम मत बनाओ, ठीक है, और नफरत जो सिखाए आपस में नफरत करने का, उस धर्म को मत अपनाओ, ठीक है। अगला जो है उसने सबसे पहले हिंदू मुसलमान को यूनाइट लाने की बात की है, वो शेर कह रहा कि कुरान न हो जिसमें, कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, खूबसूरती से शायर ने जो है मतलब को पेश है, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, हरम कहते हैं खाना कावा को। अब देखिए कितनी खूबसूरती से शायर ने जो है इसमें पेश किया, क्या कह रहा है शायर, क्या कह रहा है कि अगर मंदिर जो है, मंदिर में हो या मस्जिद हो, मस्जिद यहाँ पे हरम,
करें कि मंदिर में भी आपको लिहाज, अगर भले आप मंदिर के मानने वाले हैं, हिंदू हैं, तब भी आप किसका लिहाज कीजिए, कुरान का लिहाज कीजिए। और हिंदू धर्म में क्या है कि सबसे जो पवित्र ग्रंथ है वो गीता है, तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप जो क्या कीजिए, गीता जो जो धार्मिक ग्रंथ है उसका भी लिहाज कीजिए, यानी एक दूसरे का लिहाज और ख्याल रखने की बात साहिल लुधियानवी भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला मिसरा कह रहा है कि तू अमन, अमन मतलब सुकून शांति, तू अमन का और सुलह का, तू अमन का और सुलह का, और लिख दीजिएगा, कुछ कुछ गलती हो रही है तो माफ कर दीजिएगा, अभी शुरुआत है, हेजिटेशन हो रहा है, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना तो डर लगता है, बड़े बड़े लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप लोग, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो डर लगता है ना, डर लगेगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो तू अमन का और सुलह का, सुलह कहते हैं कंप्रोमाइज को, सुकून को, अमन मतलब सुकून शांति, ऐलान बनेगा, यानी आप ऐसे बनिए, ऐलान कीजिए कि हम अमन कायम करेंगे, शांति बना के रखेंगे, सुकून बना के रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर अगला मिसरा भाई, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, लिख लीजिएगा, इतना याद हो ही गया होगा। अगला आखिरी मिसरा देख लेते हैं, ये दीन के ताजिर, शायर ने बहुत जो कटाक्ष कहते हैं, ताना मारा है, ये दीन के ताजिर, कह रहे हैं कि तिजारत करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, किसकी तिजारत करते हैं, दीन की तिजारत, यानी अपने दीन को भी बेचते हैं, ये वतन बेचने वाले, करे ये लोग देश को बेच दिया, ठीक है, अंग्रेजों और जो उनके पिट्ठू थे, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, उनकी तरफ इशारा करते हैं कि ये दीन के ताजिर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, अब कह रहे कि लोगों को कफन भी जो नहीं मिल पा रहा ठीक से, ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि, शायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि तू इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन का क्या मतलब है, आप देखेंगे गोदान एक कहानी है और एक कफन कहानी है, एक है सवासर गेहूं मुंशी प्रेमचंद की, उसमें दिखाया कि कैसे जो है इंसान, गरीब इंसान के पास कफन भी नहीं होता खरीदने का, तो कफन खरीदने के लिए जो मैयत को दफनाने के लिए वो पैसा चंदा करते हैं, और बाद में इतनी गरीबी है कि वो चंदे के पैसा भी खा जाते हैं, खाना खा जाते हैं, इतना भूख लगा होता है। उसके अलावा एक कहानी है वो सवासर गेहूं, उसमें दिखाया कि कैसे सवासर गेहूं के लिए एक ब्राह्मण फैमिली कैसे पूरे पूरे घर को जो है वो मजदूर बना लेता है, तो उसकी तरफ शायद इशारा कि इतनी गरीबी है उस वक्त हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले का ये जो हालात था, ठीक है, और जिस तरह से ये लोग मतलब इंसान के कफन भी बेच के खा रहे थे, लाशों को कफन नहीं मिल पा रहा था, उसकी तरफ शायद इशारा किया कि ये दीन के ताजिर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों की कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे, और ये लोग कहाँ रह रहे थे, बड़े बड़े महल में रहते थे, उसको शायर ने क्या कह रहा है कि ये महलों में बैठे, ये बड़ी हिम्मत का काम है, सबकी हिम्मत नहीं इतनी बोलने की, ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, शायर कह रहे कि ये सब कातिल है, असल में कत्ल करने वाले ये लोग हैं, कत्ल करवा रहे हैं, ये कातिल ये लुटेरे, कांटों के एवज, कांटों मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, यहाँ पे ऐसे फूल कांटा होता है, यहाँ पे अलग मतलब हुआ, शायद कह रहे कांटों के एवज, एवज के माने होते हैं बदला, उसके बदले में एक्सचेंज जो कहते हैं, रूहे चमन बेचने वाले, रूह कहते हैं आत्मा को, ठीक है, इंसान की जो रूह है पता ही होगा, तो कह रहे कि चमन, चमन कहते हैं बाघ को, ठीक है, तो शायर का इशारा क्या है, चमन मतलब हिंदुस्तान, रूह हिंदुस्तान की रूह, मुल्क की रूह, वो किसके बदले बेच रहे हैं, कांटों के, मामूली सी चीज़ के बदले किसको बेच दे रहे हैं, वतन की रूह को बेच दे रहे हैं, रूहे चमन बेचने वाले, यानी लोग कुछ भी बेच देंगे, ठीक है, अपने अपने फायदे के लिए। शायद अगला मिसरा कह रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है कि तू इसके लिए, किसके लिए, इन लोगों के लिए, इन जालिमों के लिए, इन कातिलों के लिए क्या बनेगा, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये शायर पूरा कह रहा है, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो बच्चों आपने देखा कि हमने आपको सारा हर शेर का मतलब बताया, ठीक है, इसके अलावा सवाल जो जो पूछा जाए एग्जाम में वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लिख दिया, और कुछ सवाल अगर छोटा है तो कमेंट कीजिएगा, वो सारे सवाल मैं आपको सारे वो सवाल दे दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप से जो होंगे तो उनका मैं हार्ड कॉपी दे दूंगा। इसमें एक दो चीज़ जो उन्होंने लिखा था उनकी जो शायरी थी उसमें एक दो शायरी थी कि आओ के कोई ख्वाब बुने, याद रख लीजिएगा, आओ के कोई ख्वाब बुने, और एक दो शेर और वो एक दो गज़ल जो कहते हैं या शायरी का जो क्या कहते हैं उसको मजमूआ है उसमें है कि परछाइयाँ तलखियाँ गाता जाए बंजारा आखिरी नजराने, ये सब उनकी शायरी है, किन की, साहिल लुधियानवी की। तो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा परछाइयों के मुसन्निफ़ कौन है या शायर कौन है, तो साहिल लुधियानवी, गाता जाए बंजारा आखिरी नजराने वगैरह, ये सब देख लीजिए, एग्ज़ाम में यहीं से सवाल आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।